कट चुकी है रोटी हमारी। ये ऑयल हमारा हो चुका है गरम, उसमें हम डालेंगे पहले ये बगैर पिसा धनिया, थोड़ा इसमें डालेंगे जीरा। देखिए धनिया और जीरा हमारा भुन चुका है, यहाँ पे डालेंगे दो हरी मिर्च और ये हमने सब्जी कट कर ली है, सब्जी को भी डाल देंगे। सब्जी को चला लेंगे, भुनने देंगे इसको। देखिए सब्जी को भुनने देंगे, इतने भुनते ही इसमें कर लेते हैं मसाले ऐड। मसाले इसमें ज़्यादा नहीं लेंगे हम, सिर्फ नमक और मिर्ची लेंगे, हमें ये बहुत हेल्दी बनाना है। देखिए थोड़ा हमने इसमें ये लाल मिर्च ले लिया है और अब इसमें डालेंगे नमक, आधा चम्मच नमक। देखिए सब्जी हमारी ये भुन के बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे ये हमने जो रोटियाँ ली हैं, रोटियों को इसमें डाल लेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। रोटियों से बना हुआ ये पुलाव देखिए कैसा लगा आपको, ज़रूर बताना। देखिए बनके तैयार है हमारी ये बची हुई रोटियों से पुलाव, कैसे तैयार किया हमने। अगर आपको देखना है तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना।